ये एलिमो है, ये केवल रूट स्टॉक में काम आता है। 50 बीज मिलेंगे आपको एक एलिमो से। ये पेड़ है एलिमो के, इनसे फल उगाए जाते हैं, बीज निकाल कर रूट स्टॉक तैयार होता है। एलिमो की पहचान क्या है पेड़ की? एक तो ये फल हो गया, पत्ते के ये जो नीचे की तरफ है एक दूसरा पत्ता होता है, ये देखिए ये वाला। अगर कोई किसान कहीं पर एलिमो पर ग्राफ्टिंग कर रहा है तो उसके पास एलिमो के पौधे होने चाहिए, मदर प्लांट होने चाहिए, जैसा यहाँ पर है। किसान हैं प्रशांत जी जो ये कार्य करते हैं। पहला तो एलिमो ग्राफ्टिंग वाला पौधा थोड़ा महंगा है, दूसरा पक्की रसीद दे कि हाँ ये एलिमो पर ग्राफ्टेड पौधे। किसान साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि पिछले माह मैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के टूर पर गया था। जब मैं नागपुर पहुंचा तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं CCRI नहीं जाऊं। CCRI जाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था कि आजकल एलिमो रूट स्टॉक पर तैयार किए गए पौधों की बहुत ही चर्चा है, उसके बारे में क्या सत्य है, आप किस प्रकार पहचान करेंगे, इन सब के बारे में हम मिले वहां पर डॉक्टर R.K. सोनकर जी से। उनसे हमने अनेक प्रश्न किए और ये जानने की कोशिश की कि एक साधारण किसान किस प्रकार निश्चित करे कि हाँ जो मैं ले रहा हूं वह एलिमो के ही पौधे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एलिमो के नाम पर उनको कुछ और दिया जा रहा हो और 2 साल बाद वो अपने को ठगा सा महसूस करें। आइए मिलते हैं डॉक्टर R.K. सोनकर जी से और जानते हैं एलिमो रूट स्टॉक इसमें सिट्रस में जो हम पे ग्राफ्टिंग के पौधे तैयार होते हैं उसमें, तो उसमें एक अभी सुनने में आया है एलिमो रूट स्टॉक है, पहले शायद जट्टी खट्टी या जंबेरी या उस पर रंगपुर लाइम पर का। तो एक जो इसमें ये एलिमो आया है ये कब आया, किस टाइम प्रोडक्शन में गया और ये क्या है, इसके बारे में हमें बताइए और इसका क्या फ़ायदा है। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने त्यागी साहब। एलिमो एक रूट स्टॉक है जिसको हिंदी में मूल वृंद कहते हैं। ये अमेरिका से लाया गया था और पहला प्रयोग हमने 92 में शुरू किया, 1992 में शुरू किया था, संतरे पर शुरू किया था। अच्छा, फिर इसके बाद में दूसरा प्रयोग हमारा शुरू हुआ 1994 में जो कि नींबू के ऊपर था। अच्छा, तो संतरे में इसकी प्रोडक्टिविटी जैसे नॉर्मल प्रोडक्शन जो है 10 टन प्रति हेक्टेयर का है, लेकिन जब हमने एलिमो के ऊपर संतरा लगाया तो ये 21 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिला इससे, लगभग दुगना उत्पादन मिला। अच्छा। और जो घेरा होता है पौधे का, घेरा भी करीब 25 कैनोपी वो भी करीब 25-30% कम मिला। अच्छा। घेरा कम हो करके भी प्रोडक्शन ज्यादा मिला और उसमें सारी जो हमने खाद पानी जितनी भी चीजें दिया वो बराबर सभी को दिया हमने, लेकिन उसके साथ में एलिमो का परफॉर्मेंस जो संतरे नागपुरी संतरे के साथ एक्सपेरिमेंट ये डिक्लेयर हुआ कि मतलब कैनोपी कम रहेगी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इससे ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि आप थोड़ी उनकी डेंसिटी ज्यादा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पौधों की तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा और ज्यादा बढ़ेगा। ये तो 6x6 meter पर है, 6x6 पौधे से पौधे और लाइन से लाइन। हाँ, ये जो मैंने उत्पादन बताया ये 6 meter दूरी पर है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको 6x3 meter पर करते हैं तो भी पॉसिबल, तो बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि इसका घेरा पौधे का कैनोपी कम होती है। इसकी वजह से हमने लगाया हुआ भी है ब्लॉक में 6x3 पर लगाया हुआ है जिसमें प्रोडक्शन मेरा अंदाजा है कि 30 टन से ज्यादा होगा, 30 टन से भी ज्यादा होगा ये। अच्छा। और करीब करीब 5-6 साल के बाद में 6-7 तो साल। ये कब एक्सपेरिमेंट आपका किस ईयर में खत्म हुआ सर? ये एक्सपेरिमेंट करीब 2010 में हमने कंक्लूड कर दिया। वैसे तो इसका ट्रेंड हमें 2000 में ही पता चल गया था एलिमो। अच्छा, का अच्छा, कि ये सबसे बढ़िया रूट स्टॉक है, मूल ग्रंथ है। तो इसका रूट स्टॉक आपने डेवलप करना यहाँ शुरू किया? हाँ बिल्कुल शुरू किया है हमने। एक ब्लॉक बनाया है, मदर ब्लॉक है जहाँ से कि हम बीज निकाल करके पौधे बना करके, और पिछले करीब 10-12 साल से भी ज्यादा हो गया हम किसानों को दे रहे हैं, और किसानों को सिर्फ मात्र वृक्ष बनाने के लिए दे रहे हैं।
अच्छा पौधे मात्र वृक्ष, हाँ उसके ऊपर वो ग्राफ्टिंग कर, नहीं उसको ग्राफ्टिंग करने के लिए नहीं है, अच्छा उसको वो मदर ब्लॉक करके वो डेवलप करेंगे, जब उससे पौधा फल बनेगा बीज लेकर के फिर वो बेचेंगे। अब अभी क्या मार्केट में वो आ गया अवेलेबल है? नहीं, मार्केट में? अभी किसानों तक पहुंच गया है, लेकिन काफी सारे किसानों के पास पहुंच गया है, और हमारा जो पूरे भारत स्तर पर एक प्रोजेक्ट है AICRP नाम से, उसमें भी चला गया है ये। तो उसमें ये फायदा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में इसका परीक्षण चल रहा है। लेकिन उससे जो आपने जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था बीज का, वो इसके जो मदर प्लांट बनाने के लिए रूट स्टॉक के एलिमो के, तो उसके क्या फल आने लगे, बीज बनने लगे उनका किसानों के पास में? हाँ हाँ, काफी सारे किसान, कब से? काफी सारे किसान बेच रहे हैं पौधे उस पर। अभी मैं आपको बता सकता हूँ, विदर्भ और मराठवाड़ा में काफी किसान ऐसे हैं। कितने साल से सर ये? करीब करीब 3-4 साल से बेच रहे हैं वो लोग। अगर हम ये मान के चलते हैं कि वो 4 साल से बेच रहे हैं जी, यानी 2018 से बेच रहे हैं, 17 से बेच रहे हैं, हम ये मान लेते हैं 17 से बेच रहे हैं, तो 17 में जो पौधा बनाया वो पौधा 2018 में लगा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब 2018 में लगा होगा तो उसका आज प्रोडक्शन आ गया होगा? प्रोडक्शन शुरू हो चुका है कुछ नहीं, 2018 में लगे हुए पौधे का 2021 में प्रोडक्शन आ गया सर, उसका शुरुआत हो गई है। 3 साल लगते हैं फल आने में। हाँ, 3 साल संतरे को लगते हैं। 3 साल में आ गया है, शुरुआत हो गई, मतलब उसका ट्रेंड समझ में आ गया कि ये पौधा कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, ट्रेंड समझ, क्योंकि मैंने ये सुना है कि कुछ किसान इससे तैयार पौध बेच रहे हैं। बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि इसका प्रोडक्शन 20% से ज़्यादा बढ़ा है, पिछले वाले से 20% ज़्यादा बढ़ा है। तो मेरे मन में मैंने जो सवाल पूछा है, ईयर की जो निकाली है, क्योंकि हिंदुस्तान में किसान तो ये नहीं देख सकता ये एलोमो की ग्राफ्टिंग, कल को पराग जी लेने लगे तो ये तो पता नहीं चलेगा एलोमो की ग्राफ्टिंग है, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, तो किसी भी चीज को प्रोडक्शन आने में कम से कम 5 साल तो लगते ही हैं। बिल्कुल, तो उससे पहले कैसे कर देंगे 20% ज्यादा? मैंने इसलिए पूछा है, कुछ किसानों ने लिया होगा पहले। अच्छा, तो हाँ पहले लिया होगा, हो सकता है वो लेकर के बडिंग किए होंगे, इसलिए वो आपको बता पा रहे हैं। अच्छा, कि ये दूसरे जो मूल वृंत है उससे ज्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं, उत्पादन दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे एलिमो की जो पत्तियां होती हैं, अच्छा, रफ लेमन और रंग फुर लाइम की पत्तियों से बिल्कुल अलग होती हैं। अगर आप इनकी पत्तियों यहां पे हैं सर पौधे, हाँ, तीनों चीजों के, तीनों का मिल जाएगा आपको, मैं कंप्यूटर पे फोटोग्राफ भी दिखा सकता हूँ इनका। तीनों पत्तियों को देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप एक किसान, एक सामान्य किसान भी तीनों की पत्तियों को देख करके पहचान सकता है कि ये एलिमो की है, ये रफ लेमन की है, ये रंगपुर लाइन की। इसकी साई सरबती या फूले सरबती या किसी और की, ये जो आपका है प्रमालिनी, इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं तो वो बीज वाले से अच्छी होगी या वो? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी होगी। तो हम ये प्रयोग हमने कर लिया है। अच्छा, ये प्रयोग हमने काफ़ी साल, 12-15 साल पहले कंक्लूड कर दिया है ये रिजल्ट, कि नींबू के, नींबू जो है एलिमो के ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है। अच्छा, तो बिल्कुल, बल्कि हमने नींबू और संतरे के ऊपर ही किया है, अभी मौसमी के ऊपर एलिमो का परफॉर्मेंस चल रहा है अभी। तो मैं अगर इससे लगाए हुए, तैयार करे हुए पौधे लगाऊं ग्राफ्टिंग वाले, चूँकि मैंने 5 वैरायटी अपने यहाँ CCRI से ले जाकर लगाई है, साई सरबती, फूले सरबती, बालाजी, NRCC 7 और 8, करीब 8-8 पौधे मैंने लगाए हैं, 8-8, 9-9, 45 पौधे हैं मेरे पास, बहुत अच्छे चल रहे हैं। दो पद फल ये सारे बीजू पौधे होंगे, ये बीजू पौधे तो मेरे पास मदर प्लांट तैयार हैं और हैं, तो मैं अगर मेरे को ये एलिमो वाला मिल जाए यहाँ से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास सर्टिफाइड है, तो उसके बीज भी आएंगे फिर कभी ना कभी तो। लेकिन एलिमो पर बडेड पौधे हम नहीं दे पाएंगे अभी आपको। है सर, बडेड पौधे एलिमो पर नहीं दे पाएंगे? नहीं नहीं, मुझे बीज चाहिए। हाँ, वो मैं देखता हूं, वो मैं तैयार करके मेरे पास नर्सरी वाले हैं, मैं वो करा लूंगा सर उससे, और उसको कुछ बड़ा करके 5-6 साल में कम से कम मेरे पास कुछ तो होगा ना। बिल्कुल, मैं वो नहीं ले रहा सर, बडिंग पौधे बडेड नहीं है अभी हमारे, तो मेरा मदर ब्लॉक ही बढ़ा रहे हैं अभी। मेरा अर्थ ये है कि अगर हम उससे करे हुए पौधे बेचूं, जब मैं कहूंगा, तो उससे पहले मुझे आपकी वीडियो दिखानी पड़ेगी कि देखिए CCRI के अनुसार अब इस पे आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या किसानों की थी 5 साल वेट करना, वो 5 साल नहीं करना पड़ेगा, अब 3 साल में अगर पौधा ठीक हो गया तो प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। नींबू तो चाहे बीजू से करें आप, चाहे बडिंग करें, अच्छा दोनों में 3 साल लगते ही हैं।
नींबू के केस में कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नींबू जल्दी फला जाता है, जल्दी फला जल्दी। हाँ, लेकिन पहले तो बीज वाले ही कहते थे कि बडिंग वाले रूट स्टॉक के अपने एडवांटेज हैं। हाँ, अगर आप उसको रूट स्टॉक पर पूरी दुनिया में, जैसे पहले सारे पौधे बीज से तैयार किए जाते थे, नींबू वर्गीय फलों की बात करूँ अगर मैं तो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो फंगस या ये फफूद की बीमारी आना शुरू की और कई सारी बीमारियाँ आना शुरू की, तो धीरे धीरे ये रूट स्टॉक पर शिफ्ट किया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है, पूरी दुनिया में रूट स्टॉक पर ही पौधे बेचे जा रहे हैं। हम लोगों ने रिसर्च इसीलिए किया है कि हम बाद में अगर मान लीजिए बीजू पौधे में कोई समस्या आती है, तो हमने जैसे बताया कि एलिमो के ऊपर भी नींबू बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है बीजू पौधों की तुलना में। अच्छा, तो आप एलिमो का चुनाव कर सकते हैं, एलिमो का चुनाव बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो एलिमो होना चाहिए, एलिमो होना चाहिए। किसान साथियों, अभी आपने सुना डॉक्टर आर के सोनकर जी से, और आपको यह विश्वास हो गया होगा कि आपको एलिमो रूट स्टॉक से तैयार पौधे क्यों लगाने चाहिए। ये जो मेरे हाथ में फल है ये एलिमो का है। CCRI नागपुर लगभग 70-80 रुपए का पौधा इसका रूट स्टॉक का देता है, और वो किसानों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि इससे वो अपने यहाँ रूट स्टॉक के मदर प्लांट लगाए। ये जो मेरे हाथ में पौधा है ये एलिमो का है, जो मैं एक किसान से लाया हूँ। इस पर देखिए, जैसा मैंने वीडियो में बताया है कि ये जो ये पत्ती है, ये वाली, ये देखिए, एक अलग से पत्ता होता है इसके नीचे, और ये पान के तरह की एक छोटी पत्ती होती है। ये इसका पत्ता है और ये है। इसकी कई खास बातें हैं जो हमें उस किसान ने बताई जो एलिमो से पौधे तैयार कर। उनका नाम है प्रशांत जी, जो नागपुर से बैतूल की रोड जाती है, तो नागपुर से लगभग 100 किलोमीटर के बाद उनका फार्म है, और वो लगभग 50,000-60,000 पौधे तैयार करते हैं। उनके यहाँ मैंने देखा कि उनके पास इसके मदर प्लांट्स हैं जिनसे वो फल लेते हैं, ये फल उन्हीं के बाग का है, और फल लेकर उससे अपने रूट स्टॉक तैयार करते हैं और फिर उन पर माइक्रो बडिंग करते हैं। अब ये माइक्रो बडिंग कहाँ से आ गई, इसके बारे में जब हमने सुना तो हम कुछ पौधे लाए। ये जो पौधा है, ये जो इसकी रूट स्टॉक है, ये वाली, ये एलिमो की है जो प्रशांत जी के यहाँ से मिला है, और ये जो यहाँ पर बडिंग हुई है, ये जो इसका सायन है, जो ऊपर का हिस्सा है, ये न्यू शैलर मौसमी का है। आप देखिए इसके पत्ते बिल्कुल अलग है, ये देख लीजिए, ये बिल्कुल अलग है इसके पत्ते। हमने उनसे कुछ बातें जानना चाहिए, आइए पहले सुनते हैं उनके मुख से कि इसके बारे में वो क्या है। इस समय अभी फिलहाल में तो हम नींबू संतरा और मौसमी क्या कर रहे हैं, नींबू संतरा मौसमी, मौसमी की तो हमारे पास फिलहाल में अभी 5 वैरायटी है। अच्छा, कौन सी इसमें, जैसे न्यू शैलर है, काटोल गोल्ड है, और अच्छा, वो फूली मौसमी राहुल यूनिवर्सिटी की, वो अच्छा, और उसके बाद में वैलेंसिया और नटाल, ये जो ब्राजीलियन वैरायटी है। अच्छा, इसका भी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं हम। अच्छा, ये न्यू सेलर का, ये काटोल कैनोपी बहुत अच्छी, ये कितने साल का पौधा है, ये भी इसको 2 साल पूरे हो गए। अच्छा, ये न्यू सेलर है, 2 साल का पेड़ है, है जी। हाँ, 2 साल में आ गया इस पे ये फल। हाँ, इसमें तो अच्छी, अगर कैनोपी बनी तो फर्स्ट 1.5 साल में भी फल चालू। इसकी ग्राफ्टिंग भी रफलेमन पे है? नहीं नहीं नहीं, एलिमो पे इसकी। हाँ, इसलिए 2 साल एलिमो पे। अच्छा, ये भी, और जो ये आपका काटोल गोल्ड है, काटोल गोल्ड ये है, और वो साइड में जो ब्राजीलियन वैरायटी है। अच्छा, ब्राजीलियन वैरायटी की जैसी इसकी जो कैनोपी बनती है ना, वो हिसाब से कैनोपी नहीं रहती ब्राजीलियन वैरायटी की, उनके जो ब्रांचेस है। हाँ हाँ, थोड़ा ऐसा साइड में ज्यादा फैलते हो। अगर एलिमो पे ग्राफ्टिंग करोगे आप, बड ग्राफ्टिंग करो या कोई भी ग्राफ्टिंग करो, तो आपको ये रिजल्ट प्रोडक्शन ज्यादा आएगा, प्रोडक्शन ज्यादा आएगा। तो इसमें जो रिसर्च हुए भी हमारे, जो भी 4 साल पहले जो पौधे गए मोहरगढ़ में, बहुत बड़े बड़ा प्लॉट है वहाँ पे, तो वहाँ पे कैसे अपना रंगपुर लाइम और रफलेमन, वो भी पौधे है, और उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले 20x20 पे प्लॉट लगाया था मौसमी का। अच्छा, उनको लगा कि ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो 2 साल बाद हमारे पौधे उसमें डाले, एक एक पौधा, ये 10x20 एलिमो वाला। हाँ, तो 2 साल बाद डाला,
तो अभी वहां की पोजीशन ऐसी है कि वो जो दो साल पहले पौधे लगाए थे रंगपुर और अरब लेमन के, उससे भी इसकी ग्रोथ और कैनोपी उससे भी ज्यादा है। वो माइक्रो बडिंग वाले थे या नो बडिंग? माइक्रो बडिंग। इसका मतलब ये हुआ, वही चीज पे आ गए ना अभी, कि अगर एलिमो रूट स्टॉक होगा और माइक्रो बडिंग होगी तो दूसरे वालों से ज्यादा प्रोडक्शन होगा और जल्दी होगा। किसान साथियों, अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि एलिमो रूट स्टॉक बहुत अच्छा है जिस पर संतरा, मौसमी और नींबू की बड ग्राफ्टिंग होती है। एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, अगर रूट स्टॉक एलिमो का होगा तो यह सिद्ध हो गया है कि आपका प्रोडक्शन दो गुना होगा और कैनोपी का आकार भी छोटा कर लेंगे। अगर आप इस पर थोड़ी सघनता से यानी 6x3 मीटर पर पौधे लगाएंगे तो आपका प्रोडक्शन लगभग 3 गुना हो सकता है। माइक्रो बडिंग की एक विशेषता है कि माइक्रो बडिंग पर पौधा तेजी से बढ़ता है और प्रोडक्शन 2 साल बाद ही शुरू हो जाता है, यानी 3 साल में अच्छा खासा पौधा हो जाता है, जो मैंने आपको प्रशांत जी के बाग में दिखाई दी है। मौसमी आप कोई सी भी लें, न्यू सेलर लें या काटोल गोल्ड लें, ये निर्णय आपका है। अधिक उत्पादन के लिए आप 6x3 मीटर पर लगा सकते हैं और साधारण उत्पादन के लिए जो दूसरे रूट स्टॉक हैं जैसे रफ लेमन जिसे जंभेरी भी कहते हैं या रंगपुर लाइन, उनकी अपेक्षा इसमें प्रोडक्शन दुगना होता है। अब इस बात की सत्यता की जांच करने पर है हम कुछ रिसर्च पेपर पर, वहां मुझे ये पता चला कि ये जो बातें कही गई हैं, जो प्रशांत जी ने बताई हैं और डॉक्टर सोनकर ने बताई हैं, वो बिल्कुल सत्य बातें हैं। लेकिन एक चीज है इसमें और के इससे तैयार पौधों में फाइटोपतोरा नामक बीमारी 90% तक कम हो जाती है। अब ये तो इस चर्चा में सिद्ध हो गया कि महाराष्ट्र में लोग इसका उत्पादन ले रहे हैं और इसके पौधे भी बेच रहे हैं, लेकिन आपको सावधान रहना है और ये निश्चित करना है कि वो एलिमोग्राफ्ट से ही तैयार पौधे हो। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या ये सही है, इसका पता केवल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या होशियारपुर जो यूनिवर्सिटी है वहीं पर पता चल सकता है। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां पर अभी भी लोग रफ लेमन या रंगपुर लाइन या जट्टी खट्टी पर ही ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। किसान साथियों, ये मेरा एक प्रयास था के आप तक सच्चाई पहुंचाने का। पौधे बेचने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं होता है, ये आप पर निर्भर है। आप महाराष्ट्र में बहुत किसान हैं जो इन पौधों को बना रहे हैं, उनमें से एक प्रशांत जी भी हैं, आप उनका नंबर गूगल पर ढूंढ सकते हैं, आप पौधे मंगा सकते हैं। लेकिन सावधानी ये रखें कहीं इसके नाम पर कोई आपको ठग तो नहीं रहा है, उससे सर्टिफिकेट लें और इस बात की सत्यता CCRI के द्वारा जांच लें कि क्या उसके पास वहां से लिए गए मदर प्लांट हैं जिनसे वो रूट स्टॉक तैयार करता है। ये थी एक मेरी छोटी सी प्रस्तुति आप सबके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य लिखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।